Boys, check this out. Finally, हमारा बेस थीम तैयार हो चुका है एंड कमेंट सेक्शन में जाकर के मेरे को बताना कि ये बेस थीम कैसा लग रहा है। तो ये इस साइड यू के जरिए से मेरा आइडिया का ये ग्राफिक हो चुका है। फिलहाल गाइस हम लोगों ने एक नाम तो फाइनल कर दिया जीटी का, दैट इज लूसी। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है गाइस, घर मत आओ। यहाँ देखो कितने सारे लोग, ये वाला जो पैनल है गाइस इसमें हम लोग करवाने वाले हैं। बताना मेरे को मॉडिफिकेशन सही लग रही नहीं लग रही है, बट थैंक यू सो मच गाइस। आजकल हमारे व्लॉग्स रोज के रोज ट्रेंडिंग कर रहे हैं भाई, और उसके बाद आपको ये यू के जरिए से मैं राइडर में दिख जाएगी गाइस। आज इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है थोड़ी सी रश में। एक्चुअली आज मेरे घर का ना वाईफाई नहीं चल रहा सुबह से, एंड आज ना व्लॉग नहीं अपलोड हो पाया। ऑलमोस्ट लाइक 3 बज चुके हैं। एक्चुअली द थिंग इज गाइस, मेरे घर का ना वाईफाई नहीं चल रहा है, एंड आज का डेली व्लॉग अपलोड करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी गाइस जीटी को निकाल रहे हैं, एंड जीटी को मैं इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज थार को निकालने में उतना टाइम लगेगा, एंड मैं नहीं चाहता कि व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गाइस, बिकॉज डेली व्लॉग की ना सीरीज बनी हुई है। फटाफट चलते हैं गाइस एक दोस्त के यहाँ और वहाँ से अपलोड करते हैं आज की वीडियो। बब्बिया इज ऑलरेडी हियर। कब आएगा वो व्लॉग जिसमें तो मेरे व्लॉग में नहीं दिखोगे बब्बिया? कब आएगा वो व्लॉग जिसमें तो मेरे घर में नहीं दिखोगे स्टार्टिंग में? अब जब आप मेरे घर जाओगे गाइस। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रफुल के घर, और यहाँ पर गाड़ी पार्किंग लगाने का थोड़ा सा इशू है तो हम लोगों ने साइड में करी है। बस ऑलमोस्ट 5 मिनट लगेंगे अपलोड करने में, सो बस जल्दी जल्दी अपलोड करते हैं गाइस एंड व्लॉग पब्लिक करते हैं आज का। तो गाइस अभी हम लोग आए थे प्रफुल के घर, और प्रफुल के घर का एक लौता वाईफाई है। जब भानी वाले में सारे वाईफाई डाउन हो जाते हैं तो उसके घर का वाईफाई चलता गाइस। फिलहाल आंटी ने हमारे लिए बना दिए चाय चुई, व्लॉग अपलोड हो चुके हैं, पब्लिक भी हो चुके गाइस, एंड चाय पी करके निकलते गाइस। आज जीटी की मॉडिफिकेशन करानी हम लोगों ने, सो फटाफट घर मिलते हैं आपसे। सो हम लोग जी फाइनली गाइस हम लोग पहुंचे थे घर, एंड आज का एपिसोड ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई वेटेड फॉर दिस एपिसोड सिंस अ लॉन्ग टाइम। आज हम लोग फाइनली गाइस अपनी मस्टैंग जीटी को लेके जाने वाले मॉडिफिकेशन के लिए। मैंने आप लोगों को बहुत टाइम पहले से बोल रखा था जब भी हमारी जीटी आएगी ना गाइस उसको हम लोग एको की तरह मॉडिफाई कराएंगे, एंड ऑलमोस्ट बेस थीम बूस्ट थीम सब कुछ रेडी हो चुका है, बस आज से काम शुरू हो जाएगा। एंड ऑलमोस्ट लाइक हफ्ता लगने वाला है इस पूरे मॉडिफिकेशन के प्रोसेस में, बट आई रियली वॉन्ट गाइज कॉमेंट सेक्शन में ना प्लीज हेल्प आउट करना, बताना मेरे को मॉडिफिकेशन सही लग रही नहीं लग रही है। फिलहाल गाइस हमारे घर के बाहर ना बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई है, एंड बहुत सारे लोग आकर के चिल्लाते भी रहते हैं बाहू भैया। भाई सोचो डेली व्लॉगिंग में ना इट्स बीन इम्पॉसिबल फॉर मी, मैं सो भी नहीं पाता हूँ बट स्टिल आई एम पोस्टिंग व्लॉग्स। द थिंग इज मैं कभी सो रहा होता हूँ, मैं कभी एडिटिंग कर रहा होता हूँ। प्लीज़ गाइस प्लीज़ घर मत आया करो, मैं रिक्वेस्ट कर करके थक चुका हूँ बट फिर भी लोग मान ही नहीं रहे, घर पे आ रहे हैं। एंड जल्दी गाइस मैं अपना घर चेंज करने वाला हूँ इसी प्रॉब्लम के कारण, बट प्लीज़ मेरे को नहीं मेरे घर वालों को बहुत दिक्कत होती है, कल हमको बहुत दिक्कत होती है, कभी वो गाने रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कभी वो कुछ, लोग आकर के बस चिल्लाते रहते हैं घर के बाहर। मैंने इसी कारण से अपने घर की बेल भी हटा दी, अभी भी बहुत सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं गाइस। मेरे को फोटोज खिंचाने में दिक्कत नहीं है बट बाहर मिला करो, घर पे मत आया करो यार प्लीज, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। एंड गाइस हियर इज आवर मम्मी, व्हाट इज अप? हेलो चिल्ली, क्या चल रहा है? फोन के चिकन चिकन खाई मेरी बीदी ने, चिकन खाई हो मेरी चुंदर। मम्मी आज हम लोग जा रहे हैं अपनी जीटी को मॉडिफाई कराने के लिए एकदम फुल पावर। क्या चिड़चिड़ क्यों रहा है? मैं अपनी मम्मी से, मैं अपनी, ये मेरी मम्मी है, मेरी को ये तो मेरी मम्मी है। झूठ प्यार कर रहा है वो, क्यों कर रहा है? चुम्मा चाटी कर दिया जुलू, प्यार कर रहा है वो मेरी बीदी चुन्नू से, मेरे को गुस्सा हो गया बाबू भैया आपकी सारी गाड़ियों में से एको का जो रैप है ना वो एकदम खतरनाक है। ब्रोसे ने इस वाली वीडियो में कॉमेंट करेगी कि एको वाला रैप या फिर जो भी रैप है वही है ना, और जिसके आधा कमेंट आएंगे हम लोग वही मानेंगे गाइस। फिलहाल गाइस हम लोगों ने एक नाम तो फाइनल कर दिया जीटी का, दैट इज लूसी, LUCY। तो कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि लूसी रखो। सो लूसी कैसा नाम है मम्मी? दूसरा कौन सा था? दूसरा अभी याद नहीं आ रहा बट पहला तो लूसी है। ठीक लग रहा है, सही लूसी रखते, लूसी रखते मेरी बीटी, मेरी बीटी। एक जूली हो गया, एक लूसी हो गया और एक सैंडी हो गया। फिलहाल गाइस वी आर रेडी टू गो एंड निकाल रहे हैं आज से ना गाइस बहुत ज्यादा काम होने वाला है फुल पावर डेली के लिए, बिकॉज मॉडिफिकेशन में ना आपको पता है बहुत टाइम लगता है, और ये तो कार मॉडिफाई हो रही है, इट्स गोना टेक एटलीस्ट अ वीक, बट उसके बाद जो जीटी मॉडिफाई होकर के आएगी ना रोड पे लोग पागल हो जाएंगे गाइस। फिलहाल अभी निकालते हैं हर जीटी। ये देखो कितनी भीड़ हो रखी है हमारे घर के बाहर, ये देख रहे हो भैंस की टांग, इतनी सारी भीड़ हो रखी होती है रोज।
एंड आज तो मैंने कवर उतार दिया था बिकॉज मेरे को निकालना था व्लॉग अपलोड करने के बाद थोड़ा सा लेट हो गया था, बट थैंक यू सो मच गाइज। आजकल हमारे व्लॉग्स रोज के रोज ट्रेंडिंग कर रहे हैं भाई, भाई क्या सपोर्ट दिखा रही है ब्रो से ना। एंड अब तो ये मॉडिफिकेशन के लिए मुझे पता है गाड़ी खरीदने से ज्यादा ना लोग एक्साइटेड रहते कि बाबू भैया अपनी कार को मॉडिफाई कैसे करा रहे हैं। सो आज से शुरू हो जाएगा गाइज, लेट्स गो। और भव्या भी हमारे साथ जा रही है, आज शायद हम लोग भव्या के घर भी रुक सकते हैं गाइज, इसलिए लैपटॉप लैपटॉप सब लेकर के खुश। देखो कितनी एरिया खाना बनाने के पैसे पूछे थे लोगों ने, कल गाइस खाना बनवा दिया हम लोगों ने इसके घर पे, बट हम लोग जा ही नहीं पाए, बट आज टाइम लगा तो चले जाएंगे, आज टाइम लगा तो उसके घर चले जाएंगे गाइस, लेट्स गो। आज मैं अपनी बहन के घर रह के आऊंगा, पैसे पूछे तो लोगों ने बुक कराने के, वाईफाई तुम्हारे घर में? गरीब नहीं हूँ इतनी क्या पता गाइस वाईफाई ना मिले और फिर अपलोड ही ना हो व्लॉग, आज तो लेट हो ही गया था। एंड चेक दिस आउट गाइस, इतने दिन से ना हमारी थार भी स्टार्ट नहीं हुई है, आज थार भी हमारी ऐसी पड़ी है और BMW वैसी पड़ी है और हायाबुसा वैसे पड़ी है। एको ना हर्ष के घर यार, तो गाड़ियां ना आजकल स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बट एक दिन कोल्ड स्टार्ट करेंगे यार प्रॉपर। तो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम होम एंड हम लोग ना बाइक का कवर भी रख लेते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि भाई घर घूर मत आया करो, बिकॉज फिर ना पड़ोसी कंप्लेन करते हैं फिर दिक्कत होती है, तो बस रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि बाहर मिलो आराम से फोटोज बट घर मत आओ यार। गाइस ये देखो काम करने वाला एक ले रखा मैंने जो रोज काम करता है, फिलहाल गाइस कवर हम लोगों ने बैक के कार के अंदर रख दिया। मालिक दिहाड़ी मिलेगी ना, राजमा चावल खिला दूंगी आज, और जो इतने दिन से मेरे घर में खाना खा रही है उसका पैसा प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है गाइस घर मत आओ, यहाँ देखो कितने सारे लोग भयंकर, मेरे पड़ोसी फिर कंप्लेन करते हैं यार, मेरे को ना फोटोज खिंचाने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से बाहर मिल करके फोटोज खिंचाओ, बट प्लीज गाइस घर मत आया करो यार, बहुत दिक्कत है, मेरे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं आजकल, एंड अब से जब से कार आई है ना तब से तो भयंकर बहुत ज्यादा हो चुका है। प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ रहा हो यार प्लीज घर मत आओ यार प्लीज। जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको ब्लॉग में लूंगा, भाई मैं ना ब्लॉग में लोगों को रैंडमली भी आपके साथ ना एक सेल्फी ले, हाँ कोई ना आंटी मस्त एकदम, मैं तो हाँ कोई दिक्कत नहीं। खतरनाक रोड टेंशन है भाई, पूरा मोहल्ले को बताते कि बाबू भैया निकल रहे भाई, बट शुक्रिया गाइस इतने प्यार के लिए, बट बस घर पे नहीं गाइस घर पे एक हीरो आ रहे हैं बाहर हाथ हिलाने के लिए, भीड़ इकट्ठी हो जाती है भाई, बहुत प्यार करते हैं भाई, बहुत प्यार करते हैं कसम से, टच वुड इतना प्यार, ऐसी नहीं ऐसी मन्नत के नीचे होती है, ऐसी आप लोगों को ना इसके रोड रिएक्शन दिखाने वाला हूँ, अभी प्रेम नगर पता लगेगा गाइस आज क्या होने वाला है प्रेम नगर। अरे चलो भाई तुम गोली मत दो, तुम सच्ची में तुमने डिलीवरी में भी गोली दी थी, जल्दी बैठो जल्दी जाओ, मैं पांच मिनट मारा वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ रात को आ जाएंगे, हाँ पक्का भाई जल्दी। हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं अपनी जीटी में और शताब को हम लोगों ने उठा लिया, भाई इतना फर्जी इंसान है ना डिलीवरी पे, इतनी गोली बाजी थी ना आज तक मेरी जितनी भी गाड़ी की डिलीवरी में ना गाइस, ये एक भी डिलीवरी में आया नहीं भाई, बड़े लोग है गाइस काम इनके पास बहुत ज्यादा है भाई। एक चीज बताओ घर के बाहर का इंश्योरेंस कैसे सुधर है कि भाई अगर कुछ हो जाए तो फिर भाई, मेरे घर के बाहर इतने लोग खड़े हैं ना भाई सुबह शाम तक 1000-2000 लोग आ रहे हैं कसम से, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ ना कसम से इस चीज से, बाहर मिलो आराम से गाइस, फोटोज फोटोज का कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल का सीन मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, जब हम लोग जा रहे हैं हर्ष के घर, एक्चुअली हर्ष भी हमारे साथ जा रहे हैं प्रेम नगर मॉडिफिकेशन के लिए एंड शराब को भी हम लोगों ने पिक कर लिया, तो अभी हर्ष को पिक करते गाइस और मिलते हैं उसके घर में। तो गाइस हम लोग जीटी को लेकर के निकले थे हर्ष के घर और आपको मैं तो दिखाई दे रहा हूँ, साथ ही साथ पीछे दिखाना भव्य कितनी गाड़ियाँ चलती है हमारी गाइस, इतनी भीड़ हो रखी है ना पीछे, बाबू भैया
शाहरुख वाला फैन बेस कलम की एक लाइन है गाइस वो सच हो गया तो बॉयज बहुत सारे लोग ना अभी रास्ते में गाड़ी रोकने के लिए बोलते हैं दिक्कत है गाइस मैं इसे ना कहीं ऑफ रोड रोक नहीं सकता लुक एट द रोड कंडीशन कहाँ रोकूं भयंकर इस साइड में रुकेगी नहीं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस रोड पे ना ऐसे रोड रेज मत करा करो बिकॉज फिर दिक्कत ये रहेगा कि भाई हाँ भाई वो ही कर रहे भाई तो हेमलो जी गाइस घर से निकले हुए हो चुके हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 घंटे एंड इतनी मोहब्बत गाइस इतनी मोहब्बत हम लोग 2 घंटे से ना केवल गाड़ी चला रहे हैं रास्ते में बहुत जगह रुकना भी पड़ता है गाइस एंड मैं हमेशा फैंस के रुकता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है घर से हम लोग निकले थे गाइस 5 बजे एंड भी बच चुके हैं 7:30 ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो चुके हैं एंड अब जाके गाइस हम लोग प्रेम नगर पहुंचे फाइनली पहुंच गए गाइस मिलते हैं अब रोहिला भैया की शॉप पर एंड रोहिला भैया के गाइस ऑलमोस्ट अब 10 दिन की ड्यूटी लग चुकी है हमारी गाड़ी पर वो तो शुक्र है भाई प्रेम नगर की रोड बन गई हम लोग लास्ट टाइम जब उसको लेके आए थे ना हायाबुसा को हमें पता है कैसे लेकर आए तो पूरी बन चुकी है गाइस अभी अभी कोई टेंशन नहीं है और आज रोहिला भैया की शॉप के बाहर जो सीन होने वाले गाइस वो भी चेक करा रहे हैं आपको थोड़ी देर में अभी खाली होगी पूरी आओ चलो पीछे आ जाओ आओ आओ काट लो और पीछे बस सो गाइस पहुंच गए हम लोग अंडा मैं लोगों को दिखा देता हूँ भाई कौन सा वो चढ़वा रहे हैं गाइस चेक दिस आउट हम लोग ना इस पे 2 कलर मॉडिफाई करा रहे हैं एक्चुअली 3 कलर मॉडिफाई करा रहे हैं द फर्स्ट वन इज गोना बी ब्लू सेकंड वन इज गोना बी येलो एंड थर्ड वन इज गॉन बी ब्लैक एक्चुअली ब्लैक से हमारा मेन आउटलाइन होना है बट द थिंग इज गाइज आज ना कार का मेन काम है रोहिला भैया ना इसके पूरे नाप लेने वाले हैं कितनी टेप चाहिए कौन सी रिक्वायरमेंट कैसी है प्लस हम लोग अभी फोटोज खींच करके कंप्यूटर में डालेंगे गाइज विच लेट अस नो कि कहाँ से कौन सा सेगमेंट ऐसे मॉडिफाई होगा फिलहाल गाइज अभी अंडे खाते हैं और मिलते हैं आपसे तुम तो खाओगे नहीं तुम तो नहीं जा रहा डिसोन कर दिया ये लो भाई बहुत टेस्टी हो रही है सच में एक बार खा लो अरे मेरे भाई को भाई बोल रहा था मैं तब नहीं खाऊंगा अच्छा नाटक देख रहा है उसके भाई इतनी एक्टिंग करते हैं मिर्ची थी ना मैंने इसलिए मिर्ची हां अनीटी के मोमोज में तो होती नहीं मिर्ची सो हेमलो जी आफ्टर द ऑल वर्क गाइस वी आर फाइनली ऑन टू द प्रोजेक्ट फाइनली गाइस रोहिला भैया बैठ चुके अपनी पीसी की स्क्रीन में और चेक दिस आउट जीटी का जो बेस थी मेरा वो गिरना शुरू हो चुका है हम लोग बेसिकली 3 कलर्स पे खेल रहे हैं गाइस ब्लू येलो और तीसरा हम लोग ब्लैक खेल रहे हैं एंड गाइस हम लोग ना वाइट भी कर रहे हैं बेसिकली हम लोग 3 कलर स्कीम्स पे काम कर रहे हैं उसके बाद हम लोग यूके सर से राइडर और बाबू भैया वाला सीन करवाएंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस कहाँ पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं बेसिकली वाली जो साइड आप देख रहे हो ना यहाँ ये वाला पैनल इस जीटी का जो ओरिजिनल कलर है ना वो रेड है एक्चुअली एंड ये फिर ग्रीन मॉडिफाई हो रखी है एंड अब ये फुल पावर कस्टम मॉडिफिकेशन होने वाली है विच मींस गाइस मींस यार हमारी जीटी ना 3 कलर में मॉडिफाई होने वाली है ये जो ऊपर वाला पैनल है हम लोग इसे येलो करवाने वाले हैं ये वाला जो पैनल है ना गाइस इस पे हम लोग ब्लू करवाने वाले हैं एंड फिर व्हाइट और पिंक भी जाएगा बिकॉज एको की थीम ना फुल पावर वैसी है एंड जीटी में ना केवल एक ही डोर है तो ये वाले डोर पे हम लोग लिखाएंगे द UK07 राइडर और जो सामने वाला पोर्शन है गाइस जीटी का यहाँ पर हम लोग इस वाले पोर्शन में हम लोग ना बाबू भैया लिखाएंगे बेसिकली ब्लैक स्ट्रिप भी हट जाएगी गाइस तो ये वाले पोर्शन में केवल बाबू भैया करके आएगा आई नो गाइस ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कम से कम हफ्ता भर तो लगने वाला है एंड गाइस मैं एक और चीज सोच रहा था जो उसके टायर्स है ना ये भी हम लोग अंदर से कस्टम पेंट करवा लें और कस्टम मॉडिफाई करवा लें एंड ये वाली जो रैप होने वाली है ना ये टेस्ट रैप होने वाली है हम लोग इसका ग्रीन वाला रैप नहीं उतार रहे हैं बाई चांस अगर ये सही नहीं लगी या फिर कुछ दिक्कत हुई रैप में तो फिर हम लोग हटा देंगे एंड जो कार की रैप होती है ना उस पर बड़ी वाला रोल लगता है ना रोहिला भैया 4 फीट वाले जो रोल है वो ऑर्डर करेंगे अभी बस आज ना हम लोग यू के जरिए बाबू भैया का ना एक मेजर प्रिंट डाल देते हैं ताकि हमें एटलीस्ट पता हो कि फाइनल प्रोजेक्ट में क्या होगा निकल के अभी बस कंप्यूटर पर प्रिंटिंग आउट हो रही है और जैसे वो फाइनल आउट होती है तो मैं आपको फाइनल प्रोजेक्ट दिखाता हूँ यार तो गाइस रोहिला भैया का बेटा है भाई उस गले में से पैसे निकाल के देना भाई वाली प्लेट निकालना वाली प्लेट भाई और बताओ तुम्हारे पापा ने पैसे का छुपा के रखे हैं बताओ भाई
तुमसे तो कोई नहीं डरेगा भव्या। भव्या अपनी इंग्लिश बोल के दिखाना। परसों ना गाइस भव्या की इंग्लिश सुनते ना, मैंने कुछ इंग्लिश में बोला, फिर बोल रही बाहर आकर के बहुत सीरियस होके बोल रही यू गो आई कम। गाइज एक्चुअली ये 10th पास है ना केवल, 12th इसने करी नहीं। और यूनिवर्सिटी का भी मेरे से पूछ रही थी भैया कौन सी फर्जी यूनिवर्सिटी से ग्राफिक ऐसे कर लूँ। देखा भाई ग्राफिक ऐसा फर्जी नहीं है, तुम फर्जी डिग्री बनवा रही हो। गाइज इसे फर्जी डिग्री मत देना किसी भी कॉलेज से। इसका लैपटॉप में हटाना नहीं है, कुछ नहीं है इसके ऊपर ही है। ये वाला करेंगे हम लोग ब्लू, फिर लेंगे हम लोग येलो। ओके ये ब्लू, फिर ये क्या येलो, और इधर दो तीन दिन तो लगेंगे कम से कम बेस में। Guys, we have a overall project for now. हम लोगों ने डिजाइन कर लिया, मैं आप लोगों को पीसी में भी दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग दो चीजें तो अभी करवा रहे हैं। एक्चुअली यू नो ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, बट हम लोग यू के जरिए से मेरा बाबू भैया तो छपवा ही देते हैं, बिकॉज जब तक कार मॉडिफिकेशन होगी तब की तब। लेकिन फिलहाल के लिए आज की मॉडिफिकेशन टू गेट एन ओवरऑल पिक्चर कि कहाँ पर कब कौन सी ग्राफिक्स आएगा वो हम लोग अभी करवा देते हैं यार। तो गाइस चेक दिस आउट, वी हैव दिस रॉ प्रोजेक्ट फॉर नाउ, एंड ये ना बहुत बेस जो हम लोगों ने तैयार करा है आप डाल दोगे। Boys, check this out. Finally, हमारा बेस थीम तैयार हो चुका है, एंड कॉमेंट सेक्शन में जाकर के मेरे को बताना कि ये बेस थीम कैसा लग रहा है। अभी I'm really excited for this whole project, guys. ये चेक करो ये यू की जरिए राइटर भैया रेडी छापेंगे पूरा, ऐसे करोगे है ना, ये तो मस्त लग रहा है ऐसे में। ये राइडर वाले को रेड कर रहे हो भाई, चेक दिस आउट गाइस। आई नो अभी ये ग्राफिक में थोड़ा सा अलग लग रहा है बिकॉज ये ऊपर कट पेस्ट है, बट जब वो गाड़ी में लगेगा ना गाइस तो ट्रस्ट में ये वाले। हाँ बाबू भैया भैया, और गाड़ी का नाम भी है लूसी, LUCY है ना। लूसी कौन थी, कौन थी भव्या से सुन लेते हैं। हाँ भव्या इधर आओ पहले तुम, मैं तो कौन थी ये तो बताओ। और कौन थी, और भी कोई लूसी है क्या दुनिया में। गाइस भव्या का लूसी पता नहीं कौन सी बात कर रही होगी, पता नहीं कौन सी हिंदी मूवी देख के आई होगी उस वाली लूसी की बात कर रही है। बहुत बुरी तनिक तनिक लूसी हो। फिलहाल गाइस अभी आगे से बाबू भैया छप चुका है, बट भैया बाबू भैया ना हम लोग लाइक ऐसे में करेंगे। तो यार फाइनली यूपी जिले से राइडर के स्टिकर निकल चुके हैं, एंड ये चिपका रहे हम लोग इस साइड पे। मैंने ना जीटी थोड़ी सी पीछे कर दी थी गाइस, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मॉडिफिकेशन पार्ट गाइस। ऐसी जीटी बनाएंगे ना कि रोड पे लोगों को 2 किलोमीटर और पहले से पता लग जाएगा कि बाबू भैया की गाड़ी आ रही है। वैसी कोई बात नहीं है ना, अभी भी नहीं पहुंच पाते हम लोग टाइम पे, तो जब मॉडिफाई हो जाएगी तब तो लोगों को फुल पावर पता रहेगी गाइस। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बाबू भैया UK07 कब। एक्चुअली आप लोगों को बता देता हूँ, तो फोर्ड है ना वो 2017 में इंडिया से चली गई थी, तो फोर्ड ना कभी फर्स्ट टाइम आती नहीं है, तो वी हैड टू बाय इट इन HR, और अब जाकर के इसका नंबर ना UK07 पे हम लोग चेंज कराएंगे। ऑलमोस्ट लाइक 5-6 लाख रुपए के खर्च चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गाइस, बस 1 महीने का वेट और गाइस, और उसके बाद आपको ये UK07 राइडर में दिख जाएगी गाइस अपनी UK07 राइडर के नंबर से। Boys, finally we are done for today. Actually guys, 2-3 चीजें हुई हैं। First, ये इस साइड यू की जरिए से मेरा आईडा का ये ग्राफिक हो चुका है, एंड दिस इज ओनली फॉर द टेस्ट। कल 3 कलर स्कीम्स में होगा गाइस, एंड आगे से भी हम लोगों ने बस एक टेस्ट के लिए देख लिया कि बाबू भैया कैसे करवा रहे हैं। एक्चुअली ये ठीक लग रहा है, बट यू नो मैं बाबू भैया ऐसे और ऐसे स्टार्ट में गिराऊंगा। सो कल से गाइज मेन काम शुरू होगा जीटी का, एंड आज के लिए इतना ही था बिकॉज आज ना हम लोगों को बेसिकली कस्टम तैयार करना था। फिलहाल गाइज जीटी अभी हम लोग ऑलमोस्ट हफ्ते भर के लिए प्रेम नगर ही रखेंगे, बिकॉज हम लोग ना इसे वापस लेकर के नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत मुश्किल होता है यार। आज भी ऑलमोस्ट 4-5 घंटे लग गए हम लोगों को आने में। फिलहाल गाइज अभी हम लोग जीटी को पार्क करने लेके जा रहे हैं, रोहिला भैया एक जगह पार्क करवा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग हफ्ते भर तक इसे घर नहीं लेके जा सकते। फिर वहाँ से हम लोग रोहिला भैया की गाड़ी उठाएंगे, एंड फिर वहाँ से हम लोग भव्या के घर जाएंगे। आज हम लोग भव्या के घर रहने वाले हैं,
सो बस स्टार्ट करते हैं गाइस इसे और पार्किंग के लिए लेके जाते हैं। तो गाइस जीटी हम लोगों ने पार्क कर दिया, भैया के नोनिया पूरी हमारी जीटी, हम लोगों ने कवर कवर सब लेके चले थे ताकि रात को हम लोग कवर कर सके, पता ना चले किसी को यहाँ पर। अभी हम लोग जाएंगे भैया के घर, भैया की कार उठाएंगे और उसके बाद भव्या के घर। ओके गाइस अब यही करना बचा हुआ था ट्रिपलिंग, एट द एंड ऑफ दैट हम लोग ट्रिपलिंग जा रहे हैं गाइस। पीछे मत गिरना, गिर भी जाएगी भैया से गिरा देना। तो गाइस हम लोग रोहिला भैया की गाड़ी लेकर के निकल चुके हैं और इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रही गाइस, जीटी वाली है बताओ। अबे जा रही है साइलेंसर में एग्जॉस्ट में, अंदर बोले कुछ चिल्लाऊंगा। अबे अपनी मम्मी को बोल दे खाने के लिए। फिलहाल गाइस जब से हम लोग जीटी चलाने लगे ना तब से मेरे को ना इतनी ज्यादा टेंशन होती है ना कि गाड़ी का बेस नीचे ना लगे एंड दूसरे की गाड़ी है भाई। रोहिला भैया ना इतने अच्छे इंसान है ना भाई, अपनी गाड़ी गुड़ी देते हैं, थैंक यू सो मच रोहिला भैया। एंड अब रोहिला भैया से ना बिजनेस से ज्यादा यू नो फैमिली रिलेशन हो गए हमारे, बहुत अच्छा लगता है। बस एक दिन डिनर भी पक्का गाइस रोहिला भैया। अच्छा गाइस हम लोग पहुंच गए भव्य के घर, रोड देखो सामने, यहां तो जीटी आ सकती है ना भव्य, आ गया था जीटी नहीं भाई, आज खाली मम्मी का फरारी तो बनाने की है तो जीटी नहीं आई, रोड टूटी हुई है, बोला था ना जीटी आ जाएगी। हाय गाइस शराब का जा रहा है हां, लगे लगे मैंने बोल दिया सच्ची में गाइस जीटी तो कहां कोई नहीं गाइस, मैंने बोला ना रोड टूटी बंपर ही तो गिरता नीचे, इसने बोला रोड रिपेयर हो चुकी है भाई, ये बीच में यहां टांके लगा रखे हैं रोड के, बोल रही है जीटी आ जाएगी। हां अब भाई तुम आ रहे हो विला में, समझ रहे हो विला में स्पिट्स विला, वो तो नौकर रात हो गई इसलिए नौकर नौकर नहीं है, समझ रहे हो। वो भव्य खुद ही बोल रही है गाइस, भव्य अपने घर यार टंडी रुंडी ना खा ले और बाहर ही आ जाए, भव्य ना अपने घर गाइस कम से कम 20-25 दिन बाद जा रही होगी कसम से। कभी खुशी कभी गम, इतनी गलियां है ना भाई तुम खो जाओगे भाई, हमारे साथ ही रहना भाई, यहाँ तुम्हारे घर में ऐसी पेंटिंग ये देख रहे हो, घोड़ों की पेंटिंग ये देख रहे हो, ये क्या बोलते हैं सात मोड़ गाइस, हरिद्वार ऋषिकेश में पड़ता है वो, सेवन और गाइस देख रहे हो इतने सारे रूम है गाइस इनके घर में ना भाई, अमीर लोगों के घर पहुंच गए हमारे घर में, तुम बाथरूम में सोते गाइस जब से भव्य हुआ वो देखो ऊपर अचार रखा हुआ भव्य ने, वो देखने गाइस क्या रखा हुआ भव्य ने, अचार रखा हुआ सच्ची में अचार रखा हुआ प्रेग्नेंट है, और ये देखो यार भव्य के कितने सारे ये सब फर्जी मेडल है गाइस, कौन से भाई ये देखो अमीर है, ये देखो बैंकर, ये देखो भाई भव्य तुम तो बहुत ही अमीर है, और ये इमोजी क्यों रख रखे हैं, व्हाट्सएप का इमोजी क्यों रखे हो बेड पे, मेरे कपड़े तो उतार दो अपने घर में आकर के भव्य, ये रात को नाचते तो ये मैं नहीं दूंगा, गर्म पानी भाई अमीरों के घर में गर्म पानी। आंटी कैसा लग रहा है आपको भव्य इतने दिन बाद घर आ गई, अब हम जा रहे हैं गाइस सोने के लिए, इस रूम में सो रहे हैं शदाब मैं और अर्श, और भव्य जा रही है सोने के लिए कौन से हेल्सिंकी के रूम में। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ।